और हर शख्स अपने आप को गैर महफूज समझता है, आज के लिहाज से भी, कल के लिहाज से भी। और इस गैर महफूज के एहसास ने इसे हर वक्त बेसुकून कर दिया है। ये अपने आप को हर वक्त गैर महफूज समझता है और इस एहसास ने इसे हर वक्त बेसुकून कर दिया है। ये अपने आप को गैर महफूज समझता है, माल के लिहाज से, कभी जान के लिहाज से, कभी मुस्तकबिल के लिहाज से, कभी स्टेटस के लिहाज से, कभी कारोबार के लिहाज से। ये मुस्तकबिल का ये एहसास, हर वक्त का ये एहसास गैर महफूज होने का, इसने इसकी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। इसने इसकी ज़िंदगी, कल क्या होगा, ज़रा सा मामला यूँ हुआ, हाँ, अपने स्टेटस का ख़तरा पेश आ गया, अपने औलाद के रिस्क का ख़तरा पेश आ गया, आइंदा के कारोबार का ख़तरात इसने घेर लिए इसे, और इसने ज़िंदगी इसकी बर्बाद कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, मुसलमान भी हो और अपने आप को गैर महफूज कर समझ के परेशान रहे, फरमा इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तो अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। बादशाहों का बादशाह जब हिफाजत की जिम्मेदारी ले ले और फिर गैर महफूज होने का एहसास इसे परेशान रखे, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तो अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत कर, तो अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, तो अल्लाह का लिहाज कर, फिर देख अल्लाह तेरा कैसा लिहाज करता है, अल्लाह तेरी कैसी हिफाजत करता है। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तो अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। एक ईमान वाले के लिए कितना बड़ा तसल्ली का सामान है, और उसकी पूरी तवानाइयां इस पे लग जाए, कहीं अल्लाह का हुक्म ना टूटने पाए वरना गैर महफूज हो जाऊंगा, जितना इसे आज अपने चौकीदार पर, अपने सिक्योरिटी निज़ाम पर, अपने गेटों पर, अपने तालों पर, जितना इसका इस पर इत्मीनान है, काश के इसे इसकी फिक्र होती, अल्लाह का हुक्म पूरा कर लूँ। हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली, फिर तदबीरें करने का हुक्म है अल्लाह का, ये भी अल्लाह की नबी की सुन्नत है, वो मना नहीं है, लेकिन अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर अपने आप को गैर महफूज खुद कर ले, फिर हिफाजत की शक्लें बने, ये सब धरी की धरी रह जाएंगी। अल्लाह के हुक्मों को तोड़ तोड़ कर अपने आप को खुद गैर महफूज कर ले, फिर हिफाजत की शक्लें सारी धरी की धरी रह जाएंगी। उन हिफाजत की शक्लों में भी तभी असर आएगा जब अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत करे। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तो अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, तो अल्लाह के हुक्मों का ख्याल रख, तो अपने अल्लाह की कुदरत और ताकत और नुसरत को हर वक्त अपनी आंखों के सामने पाएगा। अल्लाह ने कर दिया, अल्लाह ने कर, कैसी अल्लाह की मदद आई, कैसी अल्लाह की तुझे नजर आएगा, तो अल्लाह की मदद और नुसरत को अपनी आंखों के सामने पाएगा। तजिद हो तुझा हक, कैसे अल्लाह की मदद आई, कैसे अल्लाह ने मसला हल कर दिया।